अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं, एक्सरसाइज 5.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है, इसमें इसने हमें कहा गया है कि डिटरमाइन लिमिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, इनका हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। और मैंने जो शुरू में लेक्चर दिया था चैप्टर 5 का 5.1 में, मैंने कहा था कि जो लिमिट है वो सम भी फाइंड करती है, तो एक तरह से हमने इसका सम फाइंड करना है अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। ठीक है भाई, साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं करते रहे, जो सेमेस्टर में कर रहे हैं जैसे BS फिजिक्स में और मैथ में भी यही मैथ दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अगर आप लोग पहले सेमेस्टर में ड्रॉप हो गए तो भाई साल एक तरह से आपका जाया हो जाना है। तो साथ साथ क्या करें, मेहनत करते जाए। तो ये है क्या, ये हम पता है ना, इस चैप्टर का नाम ही क्या था, डेफिनेट इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल्स। अब हमने करना क्या है, हमने इसको एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करना है डेफिनेट इंटेग्रल की। इसको हमने डेफिनेट इंटेग्रल की एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उससे हम उसका रिलेशन बनाएंगे और फिर इसका समेशन फाइंड हो जाएगा। वो खास फॉर्म हम जब दो तीन सवाल रिपीट करेंगे ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें हमने क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है अप टू एन टर्म्स। सीरीज दी गई है हमें और इसका हमने सम फाइंड करना है अप टू इनफिनिटी। ठीक है, इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 7 है, इससे यानी एक्सरसाइज से पीछे वो भी कर लें, ये भी पेपर में आई हुई है, ये भी आपने लाजमी करनी है, अपने जहन में रखनी है, मैं भी कोशिश करूंगा कि करवा ही दूं। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है, इन टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, ये जो टर्म्स दी गई है इनका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसको एक खास फॉर्म में हमने क्या कन्वर्ट करना है, हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह इसमें करना है। वो क्या है फॉर्म, ये जो एन है इसको हमने कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/n। ये एन हमने कॉमन लिया है, ये एन कॉमन लिया है, यहाँ अगर हम कोई चीज कॉमन ले और आगे मौजूद ना हो तो वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1/ यहां से भी n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2/n। इसी तरह तीसरी में से भी n कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 3/n अप टू सो ऑन प्लस, यहां से भी n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 ही आएगा, लेकिन हमने इसको n/n लिखना है ताकि हमारी फॉर्म बन जाए, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये खास किस्म की फॉर्म बना रहे हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से हल हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/n, 1/n सब के अंदर कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, 1/n बाहर आ गया, बाकी क्या बचेगा, 1/1 + 1/n + 1/1 + 2/n + 1/1 + 3/n अप टू सो ऑन +1/1 + n/n। ठीक है जी, ये हमारी फॉर्म आ गई। अब देखें, अब हमने क्या करना है, ये जो ये इसको हमने क्या किया, एक खास फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, एक रिदम बन गया। देखिए ऊपर सब में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नीचे n आ रहा है और ऊपर जो है 1, 2, 3 और अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। इसको हमने, ये जो सवाल है 9 से ऑनवर्ड 5.1 के, ये इसको हमने इसी तरह कन्वर्ट करना है। तो ये सवाल खास तौर पे समझ लें, क्योंकि एक सवाल से ही समझ आ जाए तो बाकी अच्छे से समझ आ जाते हैं। तो इसको हमने एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हर क्वेश्चन में हमने इसी तरह इसमें कॉमन लेना है, एक खास फॉर्म बना के इसकी आर्थ टर्म फाइंड करनी होती है हमने।
कौन सी टर्म? आर्थ टर्म। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके हम एक जनरल फॉर्म बनाने लगे, वह देखें कैसे बनेगी। लिमिट वैसे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, अब जो वन है वो चेंज नहीं हो रहा, वन वैसे आएगा, एन भी चेंज नहीं होगा वैसे आएगा। अब इस सारे के लिए हम बना लेते हैं समेशन, यानी जो जमा है उसकी जगह बन गया समेशन। उसके बाद देखें ये जो वन है ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये जो वन है ये भी चेंज नहीं हो रहा, प्लस भी चेंज नहीं हो रहा, नीचे जो एन है वो भी चेंज नहीं हो रहा, ये जो है बस ये चीज चेंज हो रही है, वन टू थ्री एंड अप टू एन। तो यहाँ जो चीज चेंज होगी उसको हम आर से बदल देंगे, और यहाँ आर वन टू एन समेशन जो चेंज हो रहा है ना वो यहाँ आ गया, आर की वैल्यू वन से लेके एन तक चेंज हो रही है, वन भी चेंज नहीं हो रहा, वन भी चेंज नहीं हो रहा, एन भी चेंज नहीं हो रहा, जो चीज चेंज हो रही है उसको हमने आर से बदल देने, ठीक है जी। जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको एज ही चीज बनाएंगे, ये हम क्या बना रहे हैं, हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है आर से टर्म के लिए। ये देखें ये चीजें चेंज नहीं हो रही इनको हम वैसे लिखेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाली बस चेंज हो रही है, ये इनकी जगह आर और समेशन आर अप्रोचेस टू वन टू एन, ये हमने क्या बना लिया, एक जनरल टर्म बना लिया इस समेशन के लिए, ठीक है जी। ये हमने क्या बना लिया, इसकी जनरल टर्म। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे एमएससी लेवल पर तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ करेगा, यहाँ जैसे हम छोटी क्लासों में जो प्लस माइनस फार्मूले सीख के आए आगे आके यूज हो रहे हैं, इसी तरह ये जो सवाल है ये आगे बड़े क्वेश्चन का पार्ट हुआ करेगा इन बड़ी क्लास में एमएससी में। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इसी लेवल पे समझ लेने ताकि वहां आपको मसला ना हो। मैं फिर एक दफा इसको समझा देता हूँ, फिर देख लें। कैसे हमने किया है, आर्थ टर्म देखें कैसे बनने लगी है, ये चीज चेंज नहीं हो रही ना, इसको वैसे लिख दिया इतना। अब यहाँ ये समेशन है तो समेशन, उसके बाद ये वन भी सामने चेंज नहीं हो रहा, वन वैसे आ गया, नीचे वन भी चेंज नहीं हो रहा वैसे आ गया, प्लस भी चेंज नहीं हो रहा वैसे आ गया, नीचे जो एन है वो भी चेंज नहीं हो रहा वैसे आ गया। चेंज कहाँ आ रहा है, अगर हम गौर करें तो चेंज यहाँ पे आ रहा है, ये वाली जो सी टर्म चेंज हो रही हो उसको हमने आर से बदल देना, और यहाँ समेशन आर वन टू एन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये एक ऐसी टर्म हमारे पास आ गई है ये वाली जो सारी टर्म्स की नुमाइंदगी कर रही है, मतलब यहाँ हम वन रखें तो ये आ जाएगी, टू रखें तो ये आ जाएगी, थ्री रखें तो ये, एन रखें तो, ठीक है। ये एक ऐसी टर्म हमने इसमें से बना ली है जो इन सारी टर्म्स की नुमाइंदगी कर रही है। अब इसको हल कैसे करेंगे ये गौर से देखिए। अब इसमें जो वन ओवर एन होगा, ये जो समेशन है ना, समेशन समेशन वाले साइन को हमने बदल देना है इंटेग्रल साइन से, क्योंकि इंटेग्रल भी क्या करता है, सम पॉइंट करता है। ये वाला जो साइन है समेशन, इसको इंटेग्रल से, और हर सवाल में ये जो जितने भी सवाल है ना इसके अंदर हमने लिमिट को चेंज कर देना है जीरो से वन। ये जो जितने भी सवाल हम करेंगे ये डेफिनेट इंटीग्रल की टेक्निक है उसके लिहाज से, ये इसका प्रूफ भी है लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इस साइन को हमने चेंज करना है इंटीग्रल के साइन से, और लिमिट को चेंज करना है जीरो टू वन हर सवाल में से करना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन ओवर एन जो है, वन ओवर एन ये इसको हमने चेंज करना है डी एक्स के साथ, वन ओवर एन का हमने क्या बना देना है डी एक्स। ये जो वन और वन है इसको वैसे लिखना है, और जो आर ओवर एन हुआ करेगा इसको हमने एक्स के साथ बदल दिया करना है, ओके जी। फिर गौर से सुन लें, वन ओवर एन को हमने डी एक्स, आर ओवर एन को एक्स, और समेशन को, और जो लिमिट है इसको हमने जीरो टू वन कर दिया करना है,
ठीक है जी, समझ आ गई। आर और एन हर सवाल में हमने एक्स के साथ कन्वर्ट करना है, लिमिट को 0 to 1 हमने कन्वर्ट करना है, समेशन को हमने इंटीग्रल के साइन से कन्वर्ट कर देना है, और बस 1/n को x के साथ, 1/n को dx के साथ। ये भाई गौर से चीजें देख लें। पहला सवाल मैं जरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे मैं जल्दी से फिर करवाऊंगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, लिमिट को 0 to 1 से चेंज करेंगे, 1/n को dx के साथ, r/n को x के साथ, और समेशन को लिमिट इंटीग्रल साइन के साथ। तो ये हमारी एक सिंपल सा फंक्शन आ गया जो कि हमें हल करना आता है। कैसे हल करेंगे? ठीक है, सिंपल लीनियर फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो लिमिट ये बन जाएगा log of 1+x, और इसकी इंटीग्रेशन ये यानी कि लिमिट 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log of 2, ये हो जाएगा log of 1, log of 1 होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा आंसर log of 2। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 5.1, बीएससी कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो भाई जो लोग देख रहे हैं साथ साथ वीडियोस, वो कमेंट भी किया करें, बताया करें समझ आ रही है नहीं आ रही, व्यूज होते हैं लेकिन ये नहीं पता देखा किसने किसने नहीं देखा, कमेंट जो ना जरूर दिया करें, सही है समझ आई या नहीं आई। ठीक है,